मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयति और अभी टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का, तो अभी ब्रेकफास्ट करूंगी। और जो कैंडल है उसका अपडेट ये है कि 48 आवर्स हो चुके हैं, तो अभी मैं उसे थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना है। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सो मैंने सोचा जब ब्रेकफास्ट कर ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो आज के ब्रेकफास्ट में है ये आलू सैंडविच, इसमें आलू रहता है और ये इसके ऊपर फिर खीरा और प्याज रहता है। ये मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है और इसे मैं खाती हूँ सॉस के साथ। तो यम्मी एज ऑलवेज। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। Hey guys, so last time जब मैं मिली थी उसके बाद से तो मैंने लंच किया। लंच में भी बहुत यम्मी फूड था जो कि मम्मी ने बनाया था आज। करी राइस, पनीर, दही पनीर, कुछ न्यू इंग्रेडिएंट था उन्होंने ट्राई किया, न्यू रेसिपी, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यार लंच करने के बाद मैं अच्छे से सो गई थी, उसके बाद उठ के मैं अभी वीडियो बना रही थी इसलिए मैं इतना रेडी लग रही हूँ आप लोगों को। तो वीडियो में था वो था अनबॉक्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम पर्पल, तो वो आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी होंगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देखकर आप वो देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट था। तो उसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट तो नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट है उसमें मैंने परचेज किया। और हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया तो उसमें मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिला और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी मिले। तो आप भी चाहें तो आप वो देख सकते हैं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है मैं फिर से बोल रही हूँ, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन सी। तो अभी वो तो हो गया है, तो अब मैं ये मेस जो मैंने किया है यहाँ पे उसे मुझे सही करना है, तो मैं वही ठीक कर रही थी। तो ठीक है, ये सारा चीज़ मैं बाद में कर लूँगी। ये रहा मेरा रिंग लाइट। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ वो कैंडल का अपडेट जो हमने कल लास्ट वीडियो में जो आपने देखा था उसका। तो पहले मैं लाइट्स, तो वो कैंडल्स मैंने रखा है, ये रहे वो कैंडल्स रुकिए। तो एज यू कैन सी ये रहे वो कैंडल्स। इसका जो पानी था उसे वो कलर चला गया, वो ऑलरेडी येलो हो चुका था और ये और भी येलो हो चुका है। इसके चॉपस्टिक्स जो हमने रखे थे इसे भी हम हटा देंगे। ओप्स, इसे बने हुए रखे हुए ऑलरेडी 48 आवर्स हो चुके हैं, तो मम्मी सिर्फ बोल रही है इसे हटाओ, यहाँ पे मैस रखा हुआ है। मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ, बनाते बनाते थोड़ा लेट हो गया था। तो या ये रहे वो कैंडल जो हमने कलर का फूड एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी फूड कलर से जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तो काम नहीं आया, इसके सारे कलर्स नीचे चले गए। तो आप जब बनाए तो आप देख लीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। या इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव ये था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग फूड कलर यू कुड यूज दैट कलरफुल कैंडल। उसे ऑलरेडी आप अगर करेंगे तो कलर आ जाएगा, इतना मुझे पहले ही पता था लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि घर पे सिर्फ व्हाइट कलर का ही कैंडल बचा हुआ था, मतलब ऑलरेडी था बहुत सारा जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में, तो वो सारे को ही मुझे यूज करना था। मैं कलर के लिए सिर्फ न्यू और कैंडल्स लाना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए हाँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा वो कैंडल, इसे कट करेंगे। तो इसको पहले सेटअप करते हैं, चलिए पहले मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। ओके, तो चलिए पहले इस कैंडल को इस पानी से निकाल लेते हैं और इसके नीचे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ये मैं एक कपड़ा लेकर आई हूँ, देखिए हल्का हल्का नीचे ऑरेंज कलर चला गया है, जो ऑरेंज कलर हमने डाला था ना वो क्या हुआ, वो नीचे ही चला गया तो इसीलिए ऐसा आया। और इसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा कलर डालने का ट्राई किया था वो तो हुआ है बट हल्का। तो इसे तो पहले हटा देते हैं पानी से। ओके, तो मैंने तो इसे क्लीन कर दिया है और ये अच्छा भी लग रहा है। मैंने सोचा था कि इसे थोड़ा डेकोरेट कर दूंगी, तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी इसको जलाना ही है। हाँ, बट एक चीज ये हुआ कि ये बीच से है ना अंदर अंदर चला गया, ये ऐसे आई थिंक वो सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद मे बी वो नीचे जमता गया, इसीलिए जो भी ये जो ऊपर से जो फूड कलर है ये देखिए थोड़ा मेल्ट होते जा रहा है, मतलब ये तो थोड़ा पानी जैसे ही हो गया है।
और वो फूड कलर सेट भी नहीं हुआ, इसलिए वापस से मेरे हाथ में देखिए फिर से कलर लग गया है। तो ये ऊपर का मैं ये एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा ऐसे फ्लावर वास तो है मेरे घर पे, तो अभी क्या आपको थोड़ा सा डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा फाइनल रिजल्ट, जो कैंडल हमने बनाया था ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने शॉट लिया है, अगर कैंडल लाइट डिनर भी करना चाहे तो इसमें आराम से रोशनी आ जाएगा, और विथ लाइट्स अगर देखना चाहें तो ये रहा, ये बहुत अच्छा आउटपुट आया है इसका। Few moments later. तो मैंने चेंज कर लिया है, जो भी मैंने दिखाया था कैंडल का, और फिर मेरा वीडियो का काम भी हो गया है। तो अब मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लूं, तो यही आज मैंने जो जितना प्रोडक्ट मंगाया था उसमें से एक ये भी था, ये एक फेस शीट मास्क है, तो इसे मैं अभी अप्लाई करूंगी। इसका पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेती हूँ क्या है। अच्छा, तो मैंने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो इसका इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम है जैसा हर एक मास्क का होता है, तो इसे भी जस्ट अप्लाई करना है। पहले मैंने फेस क्लीन कर लिया है ऑलरेडी, तो इसे मैं खोलती हूँ। इसे अप्लाई करके इसका टाइमिंग है 15 to 20 minutes, सारे शीट का सेम ही रहता है इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट, बस वो टाइमिंग कितना देर फेस में रखना है वो बस देखना रहता है। सो ये मैंने खोल लिया है और इसे अप्लाई करते हैं। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा रहता है उसे भी लगा लें, उसे वेस्ट ना करें, ये वन टाइम यूज ही होता है। तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ। गुड वाइब्स का मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने गुड वाइब्स का तो नहीं यूज किया था। इसे लगाने के बाद अच्छे से स्मूथ कर लें, और इसे लगाने के बाद अच्छे से स्मूथ कर ले, और आप कौन सा शीट मास्क यूज कर रहे हैं उसका क्या क्या बेनिफिट्स है वो पढ़कर ही लें। तो अब मैं 15 मिनट्स के लिए रिलैक्स करूंगी, 15 से 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं इसे रिमूव करूंगी। तो हाँ, शीट मास्क लगाने के बाद जो इसका जो कंटेनर रहता है इसमें ऑलरेडी बहुत सारा सीरम रहता है, ये देखिए। तो इसे आप अच्छे से लेकर नेक में एंड हाथों में अच्छे से अप्लाई कर लें, क्योंकि इसे भी क्यों वेस्ट करना, और इसे इसमें शीट में ऑलरेडी रहता है सीरम, तो इसके ऊपर री अप्लाई ना करें, बस आप अलग स्किन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा रिलैक्स, उसके बाद मिलते हैं जब इसे मैं रिमूव करूँ। सो 20 मिनट्स हो गए हैं, अब मैं इसे रिमूव करती हूँ। और जो भी सीरम फेस में है ऑलरेडी, उसे अच्छे से मसाज कर लूंगी। तो ये मसाज कर लेने पे जो सीरम एक्स्ट्रा सीरम है वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तब ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और या तो ऑब्वियसली फेस केयर भी हो चुका है। मैंने लिया था ये कैमोमाइल का, इसका मुझे बहुत सारा एडवांटेजेस भी दिखा था कि इट रिफ्रेशेस योर स्किन, एनहांसेस इट्स लुक, स्किन रैशेस में भी ये हेल्पफुल है, इसलिए मैंने इसे अप्लाई किया है। और अगर आप चाहें तो ये जब पूरा एब्जॉर्ब हो जाए तो उसके बाद आप मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट। आई विल नॉट डू दैट, अभी ऐसे भी डिनर टाइम हो गया है तो थोड़ी देर मैं डिनर करूंगी, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर सो जाऊंगी, तो ये थोड़ा और अच्छे से वर्क करेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।